हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप सभी का आज के इस वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस वीडियो आप सभी कन्या राशि के धातकों के लिए लेकर आए हैं, जो कि आज के दिन आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपका आज का या आने वाला चार दिन किस प्रकार से रहेंगे, किन प्रकार के प्रश्नों से लड़ने की शक्ति प्रदान किए जाएंगे, तो आपके जीवन के आपके सपने साकार हो पाएंगे। बहुत ही सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो कि आपको लड़ने की शक्ति प्रदान किए जाएंगे, तो आपके जीवन में खुशहाली भरा वातावरण रहेगा और जीवन के आपके हर एक सपने पूरे होंगे, हर प्रकार के मन की मुरादों को पूरी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला यह चार दिन, जो कि महीने का यह शुरुआती चार दिन होगा, जो कि आपको बता दें कि आप लोगों के लिए 1 से लेकर 4 नवंबर तक क्या रहेगा और किन प्रकार के परिस्थितियों से हर वक्त लड़ने की शक्ति प्रदान किए जाएंगे, आपके जीवन के सपने को साकार करने की दिशा में आप लोग प्रयास कर सकते हैं और उनमें आप सफल भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातों का आपको ध्यान जरूर रखना है जिनके माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने की कार्य कर सकोगे। तो दोस्तों, आपका यह चार दिन का व्यापार व्यवसाय करियर लाइफ, आप सभी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा वो बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकते हैं, आपका लकी नंबर लकी कलर क्या रहेगा, आपके जीवन में किस प्रकार से लाभकारी योजनाओं को बनाना आप सभी के लिए किस प्रकार शुभ और व्यात्र होंगे आपको बताएंगे। आज आपको कौन सा वह महत्वपूर्ण काम काजों को अंतिम रूप तक देना है और किस प्रकार से आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है, आपकी आर्थिक तंगियां भी किस प्रकार से खत्म हो सकते हैं, तो किस प्रकार से विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप जो भी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ऐसे में आप सभी को कहेंगे इस वीडियो को पूरा से पूरा अवश्य देखें ताकि आपके जीवन में चली आ रही प्रसारण से आपको छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके जीवन में परिस्थितियों से आपको बहुत ही बड़ा मुक्ति की प्राप्ति हो सकेंगे। तो लगातार हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप सभी माता रानी के सच्चे दिल से भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर दर्शाया करें। तो दोस्तों, दिन यह आने वाला चार दिन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहेगा। आपके जीवन में जो भी सपनों को सजाए रखोते वह आपके पूरे होंगे। लंबी अरसों का मद्देनजर रखते हुए आज कुछ बढ़िया कार्य होने वाला है आपके हाथ से। सोचने से पहले 2 बार सोचें, खुद को फिट रखने के लिए यह समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा मक्कसत नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिल सकेगा, जिसके कारण आप अपने सेहत को लेकर व्यात्र करने के लिए कम प्रयास कर सकते हैं। तब तक भी आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल हो सकेंगे। आपके द्वितीय भाव के स्वामी श्रवण नक्षत्र के स्थित होने के साथ 12वें भाव में मकर राशि में स्थित होने से यह चार दिन की शुरुआत से लेकर आपके अंत तक आपको उन सभी दोस्तों करीबियों से बचकर रहने की जरूरत है जो कि आपसे बार बार उधार मांगते हैं, फिर उसे लौटाने का नाम और लौटाते वक्त आनाकाने करने लगते हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए उधारी का वधन हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आपको इस बात को समझने के सबसे ज़्यादा आवश्यकताएं भी पड़ने वाली हैं। काम टालने से कभी भी किसी का भला नहीं होता, फिर चाहे वह परिवार के कुछ काम जरूरी कार्य हो या ना हो, क्योंकि इस समय पूर्व से बहुत से पारिवारिक काम इकट्ठा हो जाएंगे जिसे पूरा करना बाद में आपको बेहद परेशान कर सकता है। इसके अलावा आप सभी के राशि में अधिकतम ग्रह की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे। आपके यह कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा आपको प्रशंसाएं भी दिलवाएगा। यदि आप पॉलिटेक्निक्स या सोशल सर्विस की पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए यह समय सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। वह इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी यह दौरान भरपूर सफलता मिल सके योग बल से दिखाई दे रहे हैं। उपाय क्या करें, माँ कात्यायनी जी की पूजा करें, वो माँ कात्यायनी के रक्त पुष्प अर्पित करें, बहुत बढ़िया होगा। आपके जीवन के सपने पूरे होंगे, बहुत सारी परिस्थितियों से आपको लड़ने की शक्ति प्रदान की जाएंगे। आपके जीवन में आपके घर परिवार में पति पत्नी की खराब सेहत आपके तनाव और फिक्र का कारण मुख्य कारक हो सकता है कारण हो सकते हैं। इस वजह से आपके मन में किसी भी कार्य को बहुत ही कम लगेगा, कार्य में बहुत ही कम मन लगेगा और कार्यस्थल से जल्दी ही छुट्टी लेकर घर जाने के लिए व्याकुल दिखाई दे सकते हैं। यह जमीन आपकी एकादश भाव में घनिष्ठाय नक्षत्र के गुरु श्रवण नक्षत्र के शनि के साथ मकर राशि में
स्थित होने से आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कुछ इजाफा देखा जाएगा, परंतु अच्छी बात इस दौरान यह रहने वाली है कि आप यह समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिनसे आपको अपने जीवन में सही संतुलन बैठाने में मदद मिलने में मिल सकते हैं। घर परिवार में यदि आप किसी बड़े बुजुर्ग हैं तो यह समय उसकी वजह मांगो और उनका जोरों से ज़्यादा आप सभी को उपेक्षा रखना आपके लिए परेशान कर सकता है, जिसके कारण भी आपके निजी जीवन में तनावपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ इसका नकारात्मक रूप से असर आपके कार्य क्षेत्र को भी बाधित कर सकता है। यह समय कार्यस्थल पर आपको कार्य क्षेत्र पर काम की अधिकताएं के बावजूद आपके अंदर गजब की ऊर्जा देखी जा सकती है। हालांकि बावजूद भी इसके आप इस दौरान अपने सभी कामों को तय वक्त से पहले पूरा करने में असमर्थ रह सकते हैं। यह समय उन छात्रों को अपने मेहनत पर ध्यान देने की जरूरत होंगे, आवश्यकताएं ज्यादा होंगे जो कि जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से वापसात रहते हैं, क्योंकि इस दौरान सबसे ज्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी ना होने देना है होने का कारण हो सकता है। आपको कहेंगे आप लोगों को कहेंगे इसके अतिरिक्त आप अपने कक्षाओं में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों शिक्षकों से सराहनाओं की प्राप्ति कर सकोगे। आपको हरे रंग का रुमाल अपने पास रखने हैं जिनके माध्यम से आपका यह चार दिन आने वाला बहुत ही अनुकूल गुजरेगा। आपके जीवन में बहुत ही सारे खुशी देने का कार्य करेगा, बहुत ही सारे चमत्कार के साथ बहुत ही सारी घटनाओं का भी आपके जीवन में संचार होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखकर कार्य करने हैं तो आप जीवन में कुछ खुशी को प्राप्त करने की दिशा और सही राजनीतिक और कूटनीतिक बनाते हुए कार्य जरूर कर सकते हैं और जीवन में सर्व सुविधाओं की प्राप्ति होगी। बहुत सारी मनोकामनाएं आप सभी का यह चार दिन के अंतराल पूर्ण होंगे। यह समय आपके ना चाहते हुए प्रेम संबंध में किसी भी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप होता दिखाई देगा, जिसके कारण आपका रिश्ता जो वह सुधार पहले से मधुर था उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका बढ़ सकती हैं और ऐसे में इसका सारा एग्जाम प्रेमी पर ना डालते हुए उनके साथ मिलकर हर एक समस्याओं को सुलझाने का आज के दिन आपको समस्याओं को दूर करने का आज के दिन प्रयास करने हैं, क्योंकि इनसे ही आप रिश्तों को पुनः मधुर बना सकेंगे। पूर्व की हर एक गलतफहमियों के लंबे दौर के बाद यह सप्तम भाव में हस्त नक्षत्र के बुध और ग्रह 21 डिग्री का अपने ही कन्या राशि में स्थित होने से यह समय आपको अपने जीवन साथी से प्यार और सहयोग का तोहफा मिल सकता है और इस दौरान आप दोनों ही खुद को एक दूसरे के बेहद करीब पा सकते हैं, जिसके कारण आप रोमांच भरे पलों के जीवन के लिए आज जीने के लिए एक साथ किसी भी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। जीवन में कुछ खुशियों को प्राप्त करने की जिज्ञासा जाग सकते हैं। परिवार के इलाज से जुड़े हुए खर्चों में आपके इजाफों को नकारा जा सकता है। अपने खर्चों पर काबू रखिएगा और आँच खोद कर हाथ खोल कर व्यय करने से बचिएगा। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक आपको उपहार मिल सकता है। आपका सांस आपको प्यार दिलाने में सफल रहेगा। पैसा प्यार परिवार से दूर होकर आप आनंद की तलाश में किसी आत्मिकताएं गुरु से मिलने जा सकते हैं। बहुत ही सनेह उड़ा सकते हैं। अकेलापन को अपनी प्रेमिका अपने ऊपर हावी ना होने दें। इनसे बेहतर होगा कि आप कहीं घूमने के लिए निकल जाएं तो काफ़ी बेहतर होगा। जीवन में कुछ सफलताओं को प्राप्त करने के चार लग सके।